अब हम पगला घोड़ा का आगे का अंश पढ़ते हैं। शशि अस्पष्ट रूप से फिर भी जैसे अपने आप में ही मालती। लड़की मालती, मालती न जाने कब की मरकर भूत हो गई, मेरी तरह जलकर राख हो गई। ठीक इसी तरह पीछे की ओर उंगली से दिखलाते हुए ऐसी ही धू धू करती आग में ठीक मेरी तरह शशि चौक पड़ता है, मानो सामने किसी को देखकर अवाक हो गया हो। शशि मालती। लड़की हाँ मालती, बोलो ना अपनी हार जीत की कहानी, कहो ना दर्शकों से। बड़ी अच्छी, ये इसका अतीत इसके मन में दर्पण की तरह उदित हो रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि दृश्य वही है, शमशान वही है जहां ये मालती को जलाने आया था, है ना। चिता की आग में थोड़ी अंतर होता है, चिता तेरी जले मेरी जले किसी की जले, जलेगी एक जैसी, जी है ना। तो जी वो लपटों को देख के उसको वही मालती का सब कुछ पूरा का पूरा प्रतिबिंब उसके मन में अतीत का उतर रहा, इसलिए उसको लग रहा है कि मालती यही है और पूरी घटनाएं धीरे धीरे करके उभर आती है। तो ये सारा जो नाटक चल रहा है इसको बोलते हैं पूर्व दीप्ति पद्धति, अंग्रेजी में फ्लैशबैक। ये फ्लैशबैक में चल रहा है पूरा नाटक। लड़की हाँ मालती, बोलो ना अपनी हार जीत की कहानी, कहो ना दर्शकों से। बड़ी अच्छी कहानी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। शशि खिड़की से हटकर सामने की ओर बीच में आता है, लड़की उसके पास ही है पर पीछे। शशि जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रहा है, लड़की पीछे से ही जवाब देती है। शशि मालती। मालती तुम यहाँ क्यों आई? लड़की अब मालती बन गई, सीधे खड़ी हो जाती है, उसके मुंह पर फीकी हंसी और आंखों में पीला भरा क्रोध का भाव है। मालती तुम मुझे भगा दोगे? तुमने वचन दिया था कि तुम कभी भी, मालती मैंने वचन नहीं दिया था। बात हुई थी कि तुम कभी भी। मालती नहीं, कोई बात नहीं हुई थी, तुमने कहा था, तुमने सब कुछ तुम्हारा ही कहा हुआ था। शशि हाँ हो सकता है, पर क्या वही अच्छा नहीं है? मालती अच्छा बुरा उचित अनुचित मंगल अमंगल तुमने सब ठीक कर रखा है। यानी कुछ भी होने नहीं देना चाहते, स्वतः प्रेम जो होता है वो स्वतः स्फूर्त होता है। उस स्वतः स्फूर्त प्रेम को भी तुम अपने ढंग से रूप रंग देना चाहते हो कि ऐसा करने से अमंगल होगा, लोक निंदा होगी, अपयश होगा, ऐसा करने से मुझे लाभ होगा, मेरी जीत होगी, मैं यशस्वी होऊंगा, मैं समाज में ऊंचा मस्तक करके उन्नत भाल बनूंगा। ये सब कुछ तुमने तय कर रखा है। क्यों? क्योंकि उसी रूप में तुम दिखना चाहते हो, उन्हीं खानों के भीतर तुम अपना रूप प्रतिबिंबित करना चाहते हो जो तय कर रखे हैं समाज के मानदंड तुमने। तुम सब ठीक ठीक जानते हो, तुम विधाता हो ना, तुम्हारे विधान में तो भूल हो ही नहीं सकती। और ये विधाता उसी अर्थ में है जिस अर्थ में समाज के कायदे कानून पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों ने बनाए हैं। शशि मालती तुम खुद भी जानती हो कि, ऐसा क्रुद्ध होकर क्या जानती हूं, खुद क्या जानती हूं। शशि नहीं जानती, इस समय इस तरह मेरे पास आने का मतलब। मालती चले जाने को कह रहे हो? शशि इसके सिवा और उपाय भी क्या है? मालती ठीक है चली जाऊंगी, पहले भी तुमने चले जाने को कहा था, चली गई थी। जिस रास्ते तुमने जाने को कहा था उसी रास्ते गई थी, हमेशा तुम्हारी ही जीत हुई है हमेशा। शशि जिस ये रास्ते को तुमने जाने के लिए विवाह करने के लिए कहा चली गई, अब शमशान में जाने के लिए भी तुम ही कह रहे हो, क्योंकि उसके साथ जीना तो संभव है ही नहीं। जहां मेरा मन नहीं मिलता, मेरे आत्मा नहीं मिलती, मेरी खुशियां और गम जिस आदमी से नहीं शुरू होते, जहां मेरा सब कुछ समाप्त हो जाता है उस मृत प्राय उस हिंसक बर्बर पुरुष के साथ रह कैसे सकती है वो। शशि जीत मालती क्यों, जीत नहीं हुई है हमेशा, तुम ही नहीं जीते हो। कैसी जीत, किसकी जीत? मालती तुम्हारी और किसकी, अपने आप से जब जब तुमने लड़ाई की है तुम ही जीते हो, तुम में इतनी शक्ति है तुम जीत सके। तुम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, प्रवाह में बह नहीं गए, तुम हमेशा जीते। ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, तुम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, प्रवाह में बह नहीं गए। इसमें जितनी भी स्त्री पात्र है नाटक में वे सभी टूटती हैं, बिखरती हैं और प्रवाह में बह मैं जाती चाहती हैं, ठीक है। जी ये जो इमोशनल अटैक होता है महिलाओं को जो प्रवाह में बहना, अगर किसी पुरुष ने अच्छी तरह से बात कर ली, थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, है ना, तो बस वही सब कुछ हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे समाज में जो प्रारंभिक लालन पालन किया गया है
वो बंदिशों के भीतर है, सीखचों के भीतर है। किसी आदमी को तुम थोड़ा सा आकाश दिखाते हो सीखचों के पार से, और जब वो उन्मुक्त आकाश के नीचे आता है तो वो तय नहीं कर पाता है कि मुझे आकाश के नीचे कैसे रहना चाहिए। तो ये ही आज़ादी को लेकर जब स्त्री उन बंदिशों के भीतर पलती है, बड़ी होती है, शिक्षा प्राप्त करती है। विशेष रूप से आप देखेंगे कि लड़कियों, अगर किसी की लड़की और लड़का है लोअर मिडिल क्लास तक, तो लड़की को सरकारी स्कूल में भेजा जाता है और कोशिश की जाती है कि लड़कियों का ही स्कूल हो, और लड़कों को व्यवस्था की जाती है कि प्राइवेट स्कूल में भेजा जाए और अंग्रेजी स्कूल में भेजा जाए, क्योंकि नाम रोशन तो लड़के ने करना है। तो ये जो मानदंड है, ऐसे ही उसके खाने, पहनने, पढ़ने, लिखने, काम करने, जीने, तमाम तरीके तय करता है ये समाज। तो उसी बात को कहती है, जो बंदिशों में बंधी है उसका प्रवाह भावात्मक जब कहीं होता है तो वो उस प्रवाह में बह जाती है, वो अपने अस्तित्व को स्थिरता नहीं दे पाती। ये सबसे बड़ी कमजोरी है लड़कियों की, और इसी कमजोरी के चलते उन्हें टूटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है, और अंततः शमशान के घाट उतर जाना पड़ता है। इसके विपरीत पुरुष को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका जो लालन पालन है वो भी बड़े उन्मुक्त ढंग से बहुत ही स्वतंत्र चारी जीव के रूप में किया जाता है। उसको खाने पीने के लिए कभी कोई लड़के अपनी माँ से ये नहीं पूछते कि माँ आप मुझे घी दूध दे रही हैं, क्या आपने खाया, आपके लिए है। 99.9% बच्चे जब माँ से पैसा लेते हैं तो ये नहीं पूछते कि माँ जो पैसा मुझे आप दे रही हैं क्या आपकी कोई ज़रूरत नहीं है जिसे मैं पूरा कर दूँ, ये पैसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत आपको हो। क्योंकि हमने बनाया है इस तरह का स्ट्रक्चर कि पुरुष को सिर्फ छीनना है, लेना है और अपने लिए जीना है, क्योंकि वो जब अपने लिए जीना है तो हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो इसलिए ना वो टूटता है ना वो बिखरता है, पर ये प्रायः औसत रूप में है, अपवाद भी ज़रूर है समाज में। बहुत संवेदनशील पुरुष भी आपको मिलेंगे, लेकिन उनकी संवेदनशीलता को सामाजिक दबाव चाप कर रखते हैं, इसलिए वो सामाजिक दबावों के चलते संवेदनशीलता को व्यवहारिक परिणति नहीं दे पाते। जैसा कि ये शशि है, ये बहुत संवेदनशील प्राणी है, लेकिन इसको लगा कि मेरा भाई, फुफेरा भाई, जब मालती के साथ उसकी सगाई ठहर चुकी है बचपन में, और मैं तो अभी मालती के जीवन में आया हूँ, तो मालती उसी की होनी चाहिए। उसने नहीं देखा कि प्रदीप कितना हिंसक और बर्बर है, कितना कुत्सित विचारों वाला है, किस तरह का पुरुष है, क्या ये लड़की अपना जीवन बर्बाद नहीं कर देगी उसके साथ जाकर। ये दायित्व बोध उसमें नहीं आता, उसको लगता है कि समाज में अपयश होगा, मैंने उसकी मंगेतर के साथ विवाह कर लिया, इसलिए वो छोड़ देता है। शशि, मैं क्या हार जीत की बात सोचकर। मालती, नहीं, सो क्यों सोचोगे, तुम तो सोचते हो अच्छे बुरे की बात, उचित अनुचित की बात, मंगल अमंगल की बात। मालती, नहीं, सो क्यों सोचोगे, तुम तो सोचते हो अच्छे बुरे की बात, उचित अनुचित की बात, मंगल अमंगल की बात। शशि चीख कर मालती घूमकर मालती के सामने खड़ा हो जाता है। मालती रुद्ध स्वर में, ठीक है, मैं चली ही जाऊंगी, मैं जानती थी तुम चले जाने को ही कहोगे, अपनी जीत के सुख का लोभ तुम नहीं छोड़ सकते। क्योंकि उसने ठहरा लिया है कि मालती का परित्याग मेरे लिए बड़प्पन है, मालती प्रेम का परित्याग मेरे लिए उचित है, सामाजिक दृष्टि से भी और मेरी दृष्टि में भी मैं बड़ा होता हूँ ऐसा करके। शशि कुछ कहना चाहता है पर मालती उसे रोक देती है, जलती आंखों से उसे देखती हुई एक कदम और आगे आती है। जाने से पहले तुम्हें बतला देना चाहती हूँ कि मैं क्यों आई थी। मालती साड़ी के नीचे से ब्लाउज खींचकर ऊपर करती है, नीचे का बटन खोने लगती है। शशि आश्चर्य से, मालती यह क्या कर रही हो। अचानक एकदम अंधकार हो जाता है, अंधकार में लड़के की हंसी सुनाई पड़ती है, भीतर कमरे में प्रकाश हो जाता है। शशि पहले की ही तरह खिड़की में खड़ा है, लड़की नहीं है।
ये अंधकार हो जाना और उस अंधकार में लड़की की हंसी का गूंजना, ये त्रासद कारुणिक स्थिति है कि औरत को शारीरिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है, प्रेम में मानसिक यातना भी झेलनी पड़ती है। उसको कोई आत्मिक सुख नहीं मिलता, जबकि कहा जाता है कि प्रेम अपनी उन्मुक्त भावना में आत्मिक सुख प्रदान करता है, उदार होता है, उदात्त होता है, निर्मल होता है। लेकिन हम देखते हैं ना वो उदात्त है व्यवहारिक रूप में, ना वो उदार है, ना वो निर्मल है। उसमें ना जाने कितने तरह के मल पड़े हुए हैं जिन्हें साफ करके भी आप स्वच्छ प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। लड़की, हाँ हाँ यही अच्छा है। बातचीत हो, किस्सा कहानी हो, बड़े उत्साह से गाल पर हाथ रखकर कहानी सुनने बैठ जाती है। शशि भी इस बीच बैठ चुका है। क्या हुआ, शुरू करो। सातु, शमशान में ही तो मजेदार किस्सा जमता है, भूत की कहानी। भूत की कहानी सुनने के लिए कमरे के भीतर गुलगुले गरम बिस्तर की जरूरत होती है। वैसा मेरा मतलब लिहाफ की गर्मी से नहीं है, जोर से हंस पड़ता है। देखो ये भाषिक अपसंस्कृतिकरण जो कि पुरुषों में ही है अधिकांशतः, औरतों में अगर कोई औरत इस तरह की बात बोल दे तो आप कहोगे वो कुलटा है, कुलक्षणी है, इस तरह की भाषा बोलती है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अभी साधु ने किया है। और शमशान में ही तो मजेदार किस्सा जमता है। शमशान में आए हैं एक लड़की को जलाने के लिए और ताश खेलने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, एक दूसरे की प्रेम कहानी। किसी को भी शमशान वैराग्य नहीं व्याप्ता, जबकि आप शमशान के पास से भी अगर गुजरते हैं तो आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो दखल करता है। आप मृत्यु के विषय में सोचते हैं, आप सोचते हैं ये जीवन कितना अस्थिर है, मुझे कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जो कि इस जीवन को सही अर्थों में, सही मायनों में अर्थ दे सके, इसकी उपादेयता को सिद्ध कर सके। लेकिन आप क्या करते हैं, यहाँ बैठ के ताश खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो इनमें कहीं भी शमशान वैराग्य नहीं है। इसलिए जो ये जब इन्होंने प्रेम किया होगा, जब ये सामने उदाहरण दे रहे हैं, बादल सरकार दिखा रहे हैं इनकी क्रिया प्रतिक्रिया से, तो इन्होंने प्रेम किया जब जब, तो क्या प्रेम इनका सात्विक था, क्या सही था? वो प्रेम भी निरर्थक हो जाता है इसी क्रिया की तरह जिस क्रिया को ये शमशान में बैठकर कर रहे हैं। एक को भी दुख नहीं है कि कितनी छोटी उम्र में वो लड़की मर गई, फांसी लगा ली उसने अपने को। आखिर कितनी दर्दनाक उसका जीवन रहा होगा, इसकी जिंदगी कितनी नारकिक रही होगी, कितना नारकीय उसका वर्तमान होगा कि उससे वो उकता उठी और उसको फांसी लगानी पड़ी अपने आप को। कौन नहीं चाहता जीना, लेकिन इस विषय में बात नहीं करेंगे। कहानी भी अगर सुनना चाहते हैं लड़की की, तो वो भी चस्के लेने के लिए, जैसे हम फीका खाना खाते खाते मिर्च मसाला खाना चाहते हैं, चटपटा खाना चाहते हैं, ये 24 घंटे चटपटा चखना चाहते हैं और रस ले लेके उसका आस्वाद करना चाहते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति है, सामाजिक मानसिकता को गंदला करने वाली प्रवृत्ति है, सामाजिक मानसिकता को विकृत करने वाली प्रवृत्ति है। कार्तिक, आपने एकदम सच्ची बात कही है, शमशान में मजेदार किस्सा ही जमता है, माने प्रेम कहानी। हिमाद्री, प्रेम हंस पड़ता है। कार्तिक, मृदु हंसी में, क्यों हिमाद्री, इस बुढ़े खोसट के मुंह से प्रेम कहानी की बात सुनकर हंसी आ रही है ना? हिमाद्री, नहीं, मैं उस कारण से नहीं हंसा। कार्तिक, तो फिर? हिमाद्री, शमशान के साथ प्रेम का ठीक ठीक मेल नहीं बैठ पाया, इसलिए शायद हंसी आ गई। इन्होंने सभी चारों पात्रों ने अपने प्रेमास्पद को शमशान घाट उतारा है और फिर कह रहे हैं कि शमशान के साथ प्रेम का सही सही मतलब नहीं बैठ पाता। तुमसे ज्यादा इस बात को कौन जानेगा जिसने प्रेम किया और अपने प्रेमास्पद को मृत्यु के घाट उतार दिया? तो शमशान के साथ नहीं बैठेगा तो किसके साथ बैठेगा? यानी अगर प्रेम में जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है तो वो भी स्त्री ही लगाती है, पुरुष कभी नहीं लगाता। जिन जिन स्त्रियों ने वरण किया इन पुरुषों का, उन्होंने उनके अतिरिक्त और किसी को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया।
लेकिन ये जो महानुभाव बैठे हैं, इन्होंने वरण किया उन स्त्रियों का, उन्हें मृत्यु के घाट उतारा और उनके अतिरिक्त ना जाने किस किस के लिए इनका जीवन स्पेस प्रदान करता है, इन्हें भी और समाज में भी। और फिर भी ये प्रतिष्ठित है, फिर भी ये माननीय सम्माननीय पुरुष है, फिर भी ये समाज के आधार है, कानूनदा है, कानून बनाने वाले हैं, कानून निभाने वाले हैं। शशि अचानक बहुत जोर देकर, प्रेम माने ही शमशान, शमशान माने ही प्रेम। लड़की अचानक खड़ी होकर, झूठ, एकदम झूठ। कार्तिक आप गलत नहीं कह रहे हैं। लड़की एकदम गलत, एकदम झूठ। सातु बात समझ में नहीं आई, शमशान में प्रेम कहानी जम सकती है, यह तो समझ में आया, पर प्रेम माने शमशान और शमशान माने प्रेम, यह बात कुछ जमती नहीं, इन दोनों में मेल कहाँ है। शशि है सातु बाबू, खासकर एक माने में। सातु वह क्या है। शशि दोनों में आग होती है और दोनों ही आग जलाकर राख कर देती है। लड़की प्रतिवाद करते हुए, नहीं कभी नहीं, प्रेम क्या जलाकर राख करता है, कभी नहीं। देखो दोनों में आग होती, क्योंकि शशि इनमें सबसे अधिक भावात्मक है, इतनी भावना है उसमें, उसके लिए स्त्री महत्वपूर्ण नहीं थी, प्रेम महत्वपूर्ण था, लेकिन सामाजिक दबाव इतने ज्यादा थे। वो कहता है कि बंगाली लड़का क्या कभी प्रेम कर सकता है, क्योंकि बंगाली लड़के को भी ये कहा जाता है कि तुम ऐसे नहीं करो, तुम ऐसे मत चलो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ये मत दिखना, तुम वैसा मत दिखना, ये सब बंगाली लड़के को भी अपने जीवन में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है, इसलिए उसका मानसिक विकास भी कुंठित रूप में ही होता है, संकीर्ण रूप में ही होता है। आपने वो पढ़ा है ना, हाँ, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, हाँ। जहाँ सारे लोग बैठे होते हैं, बंगाली भी होता है, तो जैसे पुलिस आती है तो बंगाली जो होता है टेबल के नीचे छिप जाता है, जो बहुत क्रांतिकारी बात कर रहा होता है, तो व्यवहार में कितना कायल है कि सारे बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली कहते हैं ना भारतेंदु, उनका चरित्र जो देखोगे ना तो पोख्ता चरित्र नहीं मिलेगा, लेकिन वो समाज के सामने पोख्ता चरित्र दिखाते हैं, पोख्ता चरित्र दिखाते हैं। तो ये जो दोगलापन है ना बंगाली में, इसी वजह से आया है, क्योंकि उनका लालन पालन जिस परिवेश में होता है वो परिवेश उन्मुक्त नहीं होता, वो खुला नहीं होता, वो व्यापक नहीं होता, बहुत संकीर्ण होता है। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं कि दोनों ही जलाकर राख कर देते हैं, प्रेम भी राख करता है, क्योंकि जिस तरह से इनका प्रेमास्पद मालती राख हुई, और शमशान भी जलाकर राख करता है। शमशान तो फिर भी क्षम्य है, क्योंकि वो तो मृत को जलाता है, शव को जलाता है ना, प्रेम तो जीवित को जलाता है, प्राणों को जलाता है। इसलिए जहां हमने वैसी स्थितियां रखी हुई है समाज में जहां प्राण जलते हैं, प्रेम जलता है, वो स्थितियां निश्चित रूप से किसी भी समाज के विकास के लिए, मानवता के विकास के लिए श्रेयस्कर नहीं कही जा सकती। लड़की आर्त स्वर में, नहीं नहीं, वह आग जलाती नहीं जुड़ाती है, जलाती नहीं जुड़ाती है। कार्तिक प्रेम की आग, हाँ आप कह सकते हैं, पर शमशान की आग में जलने से पहले प्रेम की आग में जल लेना बुरा नहीं है। लड़की उत्सुकता से, हाँ हाँ बोलो बोलो ना। कार्तिक उससे कम से कम जिंदा रहने का कोई कारण तो समझ में आता है। ये बिल्कुल लड़की की बात बोल रहा है, और लड़की की बात ही नहीं बोल रहा है, अपने मन की बात भी बोल रहा है, क्योंकि आयु अधिक होने के कारण ये लड़की को प्रपोज नहीं कर पाया, इसने प्रपोज नहीं किया लड़की को, है ना, नहीं तो ये प्रस्ताव रखता अपने प्रेम का, ये उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन इसने देखा कि ये लड़की इतनी छोटी उम्र की और मैं इतना बड़ा अधेड़ उम्र का, पहले 7 दिन मांगता है, पहले और मांगता है, टाइम मांगता है, वो जहर मांगने आती है उसके पास, तो नहीं कह पाता ये अपने मन की बात। तो ये जानता है कि मरने से पहले, शमशान की आग में जलने से पहले प्रेम की आग में जल लेना अच्छी बात है, क्योंकि तब आपको जीने का कोई ना कोई सबब मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। आप कहते हो ना किसके लिए, अपने बच्चों के लिए जी लें, कितने भी दुखी लोगों को मरने की फुर्सत नहीं मिलती, क्या करें, बच्चों के लिए जीना पड़ता है, एक सबब उनको मिलता है कि इसका कौन देखभाल करेगा हमारे पीछे, इस परिवार का, इस घर का, इस संपत्ति का, तो अपने आप को संरक्षक मान के जीते चले जाते हैं, जबकि उनका जीवन बिल्कुल निरर्थक होता है। तो उसी अर्थ में ये कह रहा है कि अगर शमशान की आग में जलने से पहले प्रेम की आग में जलना पड़े तो वो अधिक प्रिय है।
सातु, आपके कहने का क्या मतलब है कि जले बिना जीने का कोई अर्थ नहीं है? कार्तिक, मेरे आपके लिए हो सकता है, पर लड़कियों के बारे में मैं नहीं कह सकता। लड़की नहीं कह सकते, नहीं जानते। हिमाद्री, इसका मतलब ये आप इसके जानते देखो हैं। इसके मन में है ना, ये इसके मन की ही आवाज है। नहीं जानते, झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि ये तो जानता है। वो लड़की बार बार कहती है ना, आती है जहर मांगने, तो उससे पूछता है तो वो तो जानता है कि वो उसको किसी का प्रेम नहीं मिला, इसीलिए वो किसी की वासना का आधार नहीं बनना चाहती थी। नहीं तो मलिक बाबू उसको अपनी वासना का आधार बनाना चाहते थे, है ना? वो नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो मर गई। सातु हंसकर, ठीक, आप कहना चाहते हैं कि प्रेम की आग में जले बिना लड़कियों के लिए जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। कार्तिक, मैं सबकी बात नहीं कहता। सातु हंसकर, हाँ हाँ समझ में आ रहा है, किसी एक खास लड़की की बात कह रहे हैं, वही किस्सा तो हम लोग सुनना चाहते हैं। लड़की है, तुम्हारे पास भी कोई किस्सा है, बोलो ना, मैं तो तुम्हारा किस्सा बिल्कुल नहीं जानती। कार्तिक हंसकर, अरे नहीं नहीं सातु बाबू, मेरा कोई किस्सा नहीं है। लड़की सच, कोई भी नहीं है। कार्तिक, अब इसी लड़की को लीजिए। सातु, हाँ देखिए ना, एक बार बात उठी थी फिर बीच में ही रह गई, इस लड़की का क्या किस्सा है, आप कुछ कह रहे थे? लड़की विनती करते हुए, नहीं नहीं वह किस्सा अभी रहने दो, अभी रहने दो, वह बाद में सुनाना है। अब यहाँ पर लगता है कि जैसे लड़की ही बोल रही होगी, वास्तव में लड़की नहीं बोल रही, क्योंकि कार्तिक उससे पूर्णतया जुड़ा हुआ है, ये कार्तिक के मन का द्वंद है। कार्तिक, यह लड़की अभी तो चिता में जल रही है, इसके लिए जीने का क्या अर्थ था आप बता सकते हैं? सातु क्यों, क्या यह लड़की आप लोगों की प्रेम की आग में कभी नहीं जली थी? कार्तिक, शशि, हिमाद्री तीनों हंस पड़ते हैं। लड़की दोनों हाथों में अपने कान दबाकर तेजी से चली जाती है। मतलब उसको ऐसा सुनना भी पाप लग रहा है मरने के बाद। शशि, प्रेम की आग में यह लड़की? कार्तिक, प्रेम से यदि आपका मतलब, हिमाद्री रोकते हुए, आहा कार्तिक दा। सातु क्यों, क्या हुआ? कार्तिक, यह गंदी बातें, गंदा कारोबार हिमाद्री को अच्छा नहीं लगता। हिमाद्री नहीं, कारोबार गंदा होने का सवाल नहीं है, सवाल है आपके कहने का। कार्तिक, ओहो दोष भाषा का है, ठीक है तो तुम्हारी अपनी पवित्र भाषा में कहो। देखो बार बार भाषा की बात आती, पहले भी एक बार नाटककार भाषा की बात कर चुका है। भाषा की बात क्यों की जा रही है बेटा? क्योंकि सारी शाब्दिक हिंसा, सारी शाब्दिक बर्बरता पुरुष की भाषा में ही आती है ना? तमाम गालियां आप देखोगे जितनी आसानी से, लड़की को कभी देखा सड़क पर खड़े होकर गाली देते हुए? कितनी भी गांव की लड़की की हो ना, घोर गांव की हो, है ना, तो भी आपने नहीं पाया होगा कि कभी वो जोर जोर से गालियां दे रही हो। अगर कोई लड़की आपको मिल जाए, स्त्री मिल जाए गाली देते हुए, तो आप जानोगे उसका मस्तिष्क ठीक नहीं है, सब जानते हैं कि वो पागल है, है ना? व्यवहारिक रूप में देखा है ना ऐसा? जी, जी। अगर कोई अपवाद स्वरूप मिल जाए तो जानते हैं कि वो विकृत मस्तिष्क वाली महिला है और इसीलिए वो गालियां दे रही है। जबकि पुरुष तो सारे विकृत मस्तिष्क वाले हैं भाई। आप एक कंडक्टर, एक ड्राइवर और एक साधारण बोलचाल तक नहीं गाली का प्रयोग होता है। अरे नहीं बोलते तो साले क्या हाल है तेरा? मतलब साले क्या हाल है तेरा, क्या मतलब है? जी। तो इस तरह से बोला जाता है कि जैसे गाली दिए बगैर भाषा पूरी नहीं होती। तो इसलिए बार बार बादल सरकार भाषा का प्रश्न उठाते हैं इस नाटक में, क्योंकि मनुष्य की भाषा जो होती ना, आप कहते ना मुंह से निकल गया, प्राय कहते हैं ना गलत बोल के, मुंह से वास्तव में कभी कुछ नहीं निकलता, आपके दिमाग में था, आपके हृदय में था, तभी मुंह से निकला है। अगर आपके भीतर नहीं होगा तो शब्दों में हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता शब्दों में, क्योंकि जो कुछ नहीं है अंदर वो जुबान पे कैसे आ जाएगा? ये तो विज्ञान ही नहीं है आपके शरीर का। इसलिए आपकी आंखों से वासनाएं तभी टपकती हैं जब आपके भीतर होती है, नहीं तो आंखें तो 24 घंटे उपासना का आधार होती है। इसी तरह से भाषा, आपके अंदर वो गंदे भाव भरे हुए हैं, गलत विचार भरे हुए हैं,
तभी आप भाषा में शब्दों में उनको व्यक्त कर पाते हैं, अन्यथा शब्द तो ओंकार स्वरूप है, अक्षर स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। शब्द को तो ब्रह्म कहा गया है जी। वो किसी भी रूप में गलत हो ही नहीं सकते। हिमाद्री नाराज होकर सचिदा शशि मोरालिस्ट। हिमाद्री मोरालिस्ट कौन है? हाँ कौन है मोरालिस्ट? मोरालिस्ट होना तो बहुत बड़े पाप है, वो तो स्त्री को होने चाहिए, सारे आदर्शवाद तो स्त्री के ऊपर थोपे जाते हैं। त्यागी हो, परोपकारी हो, करुणामयी हो, ममतामयी हो, बहुत सुशीला हो, काम करने वाली, कर्मठ हो, निष्ठावान हो, ये सब तो महिला के लिए। मोरालिस्ट ये कैसे हो जाए? कौन किसको? अगर तुमने मोरालिस्ट कह दिया ना किसी पुरुष को, उसको ऐसा लगता है जैसे पत्थर मार दिया। शशि कौन नहीं है? तुम, मैं, कार्तिक बाबू। कार्तिक मुझे बात देकर ही बात कीजिए शशि बाबू, आप लोगों के मोरालिस्ट को मैं जाने दीजिए, गंदी बात कहने की मनाही है ना, नहीं कहूंगा। सातु ओहो झगड़ा क्यों? कैसे मजे में कहानी किस्सा चल रहा था? हिमाद्री किस्सा कुछ खास नहीं है सातु बाबू, मैं थोड़े में सब बता देता हूँ। इस लड़की के जन्मते ही माँ मर गई, सारे खानदान में बचा केवल इसका बूढ़ा बाप। कार्तिक बूढ़ा क्या, एकदम कंखड़ कहिए, फिर भी उसने 50 बरस की उम्र में 16 बरस की लड़की से ब्याह किया। हिमाद्री हाँ हाँ ऐसा ही तो हमेशा हुआ करता है, कौन जाने एक दिन हम लोगों के कार्तिक दादी कुछ ऐसा ही कर बैठे। कार्तिक देखो हिमाद्री मैं और जो चाहे करूँ। बस ये जैसे सामने आ गया ना अभी, ऐसा ही तो नहीं करना चाहता था कार्तिक। अगर ये उसी 16 साल की लड़की से विवाह कर लेता तो ऐसा ही कहता ना समाज, जैसा कि अभी ना किए जाने पर भी संभावना व्यक्त कर रहा जी। है ना जी। तो ये इसी डर से इसने अपने प्रेम को कभी व्यक्त नहीं होने दिया। सातु ओहो फिर गर्मा गर्मी होने लगी, ऐसा कहने से कहीं कहानी आगे बढ़ पाएगी? कार्तिक अचानक हंसकर, अच्छा ठीक है हिमाद्री तुम ही बोलो, जैसे मर्जी आए वैसे। शशि किस्सा सचमुच कुछ खास नहीं है सातु बाबू, इस किस्से को लेकर कोई छोटी कहानी भी नहीं लिखेगा, उपन्यास की बात ही छोड़िए। क्यों नहीं लिखेगा छोटी कहानी भी? क्योंकि लड़की महत्वहीन है, किस्सा तो वहां बनता है जहां पुरुष का लंबा चौड़ा मानसिक भावात्मक विचारात्मक शारीरिक व्यापार हो, अन्यथा स्त्री के ऊपर कैसे कहानी बन जाएगी छोटी सी? ऐसी तो रोज रोज हर घर की कहानी है, कहानियां ढूंढते रहिए। सातु नहीं लिखेगा तो ना सही, हमें उससे क्या, हम लोग यहाँ साहित्य संगोष्ठी करने तो जुटे नहीं हैं, कहानी लिखने लायक किस्सा ही कहें सुने। कार्तिक हंसकर, हाँ और क्या, हम लोग तो संसार मित्र मंडल के अधिवेशन के लिए जुटे हैं, क्यों? हाँ बिल्कुल, शमशान मित्र मंडल का अधिवेशन ही है ये, अधिवेशन में ऐसी ही बातें होती है। ये अधिवेशन में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, इनकी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, इनके भावों में, इनके विचारों में, इनकी क्रियाओं में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि इनका बोध ही यही है, यहाँ बोध स्पष्ट है, मुखर है। सातु हाँ शुरू कीजिए शशि बाबू। कार्तिक हैं हैं, यह क्या किया, पैसा खर्च करके लाया गया माल। सातु संभलते हुए, कोई कीड़ा पर गया था, ज्यादा अब ये झूठ है, इसने अपनी शराब गिरा दी ना उस जैसे कुत्ते को मार के आया है ये। हाँ और कुत्ते से उसकी कहानी जुड़ी हुई है, लक्ष्मी की कहानी जुड़ी हुई है, इसकी कहानी जुड़ी हुई है, तो इसी कारण इसने आके शराब गिरा दी, झाड़ के भूल गया कि मुझे गिरानी नहीं है पीनी है। हिमाद्री उठकर जाऊं एक बार देखाऊं? सातु मैं जा रहा हूं, खड़ा हो जाता है। हिमाद्री नहीं नहीं आप शशि बाबू की कहानी सुनिए। सातु लौटकर सुनूंगा, देखूं कुत्ते को भी खदेड़ा जा सके तो। शशि बाप रे बाप बाहर कैसा अंधेरा है, आज का चंद्रमा एकदम गायब है। कार्तिक खेलते खेलते मगर है मगर छोटे साइज का। लड़की मन ही मन, अच्छा उस दिन चंद्रमा किस साइज का था? लड़की नहीं मैं सोच रही थी ऐसा ही छोटे साइज का था शायद, या बड़ा था। अच्छा उस दिन पूर्णिमा थी क्या, बड़ा सा गोल चांदी के थाल जैसा चांद निकला था। ये याद कर रहा है सारा शशि के दिमाग का है ये, जो लड़की का कहा जा रहा है दर्शकों को सुनाने के लिए, लड़की के रूप में कहा जा रहा है। बादल सरकार ने इतनी बारीक टेक्निक का प्रयोग किया है कि प्रायः लोगों को समझ में नहीं आता। शशि उसी तरह
उससे क्या आता जाता है? किसने इतना ख्याल किया था? लड़की, ख्याल नहीं किया था, क्यों? शमशान पर आकर कौन इतना ख्याल करता है? मुर्दा जलाने आए थे, जलाकर चले गए। शशि, पहले की तरह। मालती? लड़की, हाँ मालती, मालती का मुर्दा जलाने गए थे, याद नहीं है? तुम और तुम्हारा वह लायक व्यंग में दोस्त प्रदीप या दीपक, न जाने क्या नाम था। शशि, प्रदीप? लड़की, हाँ प्रदीप, बड़ा अच्छा नाम है, और भी न जाने कौन कौन था, याद नहीं। शशि, प्रदीप शैतान कहीं का। लड़की हंसकर, हाँ एकदम ठीक, शैतान, पक्का शैतान था। उसी के लिए तो मालती, साथ ही साथ लड़की मालती के रूप में खड़ी हो जाती है, शशि उसकी ओर बढ़ता है। शशि, मालती? मालती, ना 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 ना। मालती, सुनो। मालती, ना ना ना। शशि, सुनो मालती, मेरी बात सुनो, इसके अलावा। मालती, नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। शशि, उसके साथ ही, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मालती, और कोई उपाय नहीं है। मालती, मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। शशि, केवल यही एक उपाय है मालती, हम लोगों के लिए और कोई रास्ता नहीं है। मालती, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे किसी भी तरह, किसी भी तरह। शशि, पर मालती, यदि तुम प्रदीप से शादी नहीं करोगी तो। मालती करुड़ स्वर में, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मत कहो, अब वैसा किसी भी तरह नहीं हो सकता, किसी भी तरह नहीं। इतने दिनों तक मैं जानती नहीं थी, समझती नहीं थी, अब मैं किसी भी तरह उससे विवाह नहीं कर सकती। तुमने मुझसे क्यों कहा, तुम क्यों आए, तुम क्यों? हाँ मैं जानती हूँ, तुमने मुझसे कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा, पर क्यों नहीं कहा? शशि, तुम जानती नहीं? मालती, जानती हूँ, प्रदीप तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सगा फुफेरा भाई, उसके साथ बचपन से, तुम जानती हूँ, सब जानती हूँ। शशि, तब फिर क्यों? मालती चीख कर, केवल इसलिए, तुम मुझे अपने से दूर कर दोगे? शशि, केवल? मालती, केवल इसलिए मुझसे ब्याह नहीं करोगे, केवल प्रदीप के लिए? वो केवल ऐसे कह रहा है शशि, जैसे कि केवल कोई मतलब ही नहीं है, केवल क्यों बोल रही है ये? कि ये कोई केवल है? मेरी पूरी मान मर्यादा दाव पर लगी है, इसको केवल लग रहा है, और उसका देखो, उसका कुछ नहीं भाई। तुमने प्रेम किया है, निर्मल भाव से प्रेम किया है, तो उसको रखने के लिए तुम्हें अपने आप को भी तो दांव पे लगाना पड़ेगा, मान मर्यादा को भी तो लगाना पड़ेगा, लेकिन वो तैयार नहीं है। शशि, मालती, इस तरह सोचने से क्या कोई? मालती, बोलो ना, तब भी क्या तुम मुझसे ब्याह ना करते? शशि, यह भी कोई सवाल हुआ? मालती, तब फिर प्रदीप को मुंह ना दिखा? सवाल तो बिल्कुल सवाल नहीं हुआ। शशि, मालती, लड़की मालती बनकर सामने आकर खड़ी होती है, दोनों पर रोशनी पड़ रही है, शेष अंधकार। मालती? मालती, हाँ मैं चली ही जाऊंगी, मैं जानती थी तुम चली जाने को ही कहोगे, अपनी जीत के सुख का लोभ तुम नहीं छोड़ सकते। शशि जैसे कुछ कहना चाहता है, उसे रोकती हुई, जाने से पहले केवल तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं क्यों आई थी। मालती साड़ी के नीचे से ब्लाउज खींचती है, सबसे नीचे का बटन खोलने लगती है। शशि आश्चर्य से, यह क्या कर रही हो मालती? मालती की उंगलियां रुक जाती हैं, आंखों में पहले हल्का आश्चर्य, फिर संतोष, फिर बड़ी पीड़ा में तीखी हंसी। शशि सम्मोहित सा उस हंसी की ओर देखता रहा है। नीचे का बटन खोलकर मालती धीरे धीरे शशि की ओर पीट करके खड़ी होती है, पीछे का एक हिस्सा खोलकर उसे दिखलाती है। हल्की सी चित्कार के साथ शशि एक कदम पीछे हट जाता है। यह क्या? मालती, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई का प्रसाद। शशि, क्यों? मालती, मैंने कहा था कि मैं उससे घृणा करती हूँ और तुम्हें प्यार। शशि एकदम चुप। मालती ब्लाउज नीचे करके बटन लगाने लगती है। देखो बेटा, ये करने का साहस पुरुष में नहीं है, आधुनिकतम शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी नहीं है, जीवन में पूरी आजादी भोगने के बावजूद भी नहीं है, इतना अच्छा ब्रॉटअप मिलने के बावजूद भी नहीं है। ये दुस्साहस सिर्फ स्त्री में है, जो हर तरह की यंत्रणा यातना झेलती है, शोषण झेलती है, उत्पीड़न झेलती है कि सत्य कह सके। जब तक समाज के विधान में कम से कम पुरुष मानसिकता में ये साहस उत्पन्न नहीं होगा, तब तक समाज इसी तरह से
दो फांकों में बटा हुआ और दरार में मवाद और दुर्गंध भरता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि समाज में सही संबंधों का निकास हो सकता है जब तक कि पितृसत्तात्मक समाज की सोच नहीं बदली जाती, और इस सोच को बदलने के लिए व्यवस्था का आमूल चूल बदला जाना बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से स्त्रियों की चेतना पर, स्त्रियों के मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ से किया है जानते हो? शशि बोल नहीं पाता। हम लोगों के ब्याह में तुमने जो चांदी का चाकू दिया था उसे ही गर्म करके। शशि फिर चुप। चांदी खूब जल्दी गर्म हो जाती है, इसीलिए उसके पास समय बहुत थोड़ा था। शशि देखता ही रह जाता है। मालती शशि की आंखों में आंखें डाले ब्लाउज साड़ी के नीचे घुसा लेती है। उसके चेहरे पर वही तीखी हंसी है जलती हुई। धीरे धीरे सब अंधकार हो जाता है। पुनः कमरे में चौकी के पास रोशनी पड़ती है। शशि ने जहाँ पर खड़े होकर इनसे सवाल किया था वहीं वैसे ही खड़ा है। मालती नहीं है। शशि नहीं पता? हिमाद्री। हिमाद्री ना शशिदा, इस समय कुछ पता नहीं, कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं पता? किसी को भी नहीं पता कि हारने से हमेशा दुख होता है, जीतने से हमेशा सुख मिलता है? क्या नहीं पता किसी को भी? क्यों पता हो? क्योंकि सभी तो हारे हुए हैं और सभी बाहरी रूप में जीते हुए हैं। सभी तो एक ही नाम में सवार है। कोई दो मानसिकताओं या दो समाजों की कहानी नहीं है ये, एक ही समाज की कहानी है, एक ही भावात्मक स्तर की कहानी है, एक ही पूरी जो व्यवस्था बनी है हमारी भारतीय बंगाली समाज की, उसी के भीतर उत्पन्न होने वाली कहानी है। इसलिए उसको अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। किसी को उसका जवाब नहीं मिल सकता। वो सभी के लिए सवाल है और जवाब है तो सभी के लिए जवाब है। शशि आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता है? सातु और कार्तिक गर्दन हिलाते हैं। मैं जानता हूँ आप कर्तव्य समझ कर उस लड़की को मेरे हाथों सौंप देंगे और साल भर के अंदर अपने ऊपर तेल छिड़क कर वह आग लगा लेंगी। तब हम और आप उसके जले शरीर को कंधा देंगे और इसी तरह उसे यहाँ लाकर फूंक देंगे। सब चुप। आप कहेंगे वह मेरे अत्याचार से मरी है। ठीक ही तो है, इसलिए मरी है। इसका क्या दोष? दुनिया यही कहेगी। लेकिन मरी तो वो प्रेम में है। मरी तो वो प्रेमास्पद के अपमान से है, प्रेमास्पद के ना अपनाने से है, प्रेमास्पद द्वारा प्राप्त तिरस्कार से है, हिकारत से है। वो कोई इस व्यक्ति के अत्याचार से नहीं मरी। अत्याचारी के हाथों में सौंपने वाले प्रेमी के कारण मरी है। तो इस तरह से ये प्रेम कहानी समाप्त होती है यहाँ पर। और प्रेम करना, जैसा कबीर ने कहा है ना कबीर, यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं। तो प्रेम करना एक अलग बात है, उपभोग करना अलग बात है। इस नाटक के विशेष संदर्भ में हमें ये बात को समझना चाहिए कि आधुनिक मनुष्य उपभोक्तावादी हुआ है, प्रेमिल नहीं हुआ है, प्रेमी नहीं बना है। जैसे कि वो लड़की अकेली होती है और फिर अंततः मर जाती है। आधुनिक मनुष्य की भी यही कहानी है कि वो अकेलेपन का संतरास झेलता है और अंततः मृत्यु के घाट उतर जाता है। तो इस आधुनिकता बोध के नाटक को हमें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी समझना है, आधुनिक मनुष्य के जीवन के फलक को समझते हुए भी जानना है, और रंगमंच की सीमाओं के भीतर, आप जानते हैं बादल सरकार ने तीसरा रंगमंच का प्रारंभ किया था जो सस्ता रंगमंच था, कि रंगमंच सबको उपलब्ध होना चाहिए, सब देख सके, सबकी रीच में रंगमंच आए, जैसा कि पारंपरिक रूप में हमारे यहाँ था। हर एक गांव घर में तमाशे, खेल, नाटक हुआ करते थे। गांव का अपना एक लोक मंच बनाया जाता था। बारिश के दिनों में 4 महीने गांव में खूब चलता था। तो उसी प्रकार का सस्ता रंगमंच बनाने का ध्येय बादल सरकार ने रखा था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बादल सरकार विदेशी शिक्षा प्राप्त करके आए थे, लेकिन वो भी हबीब तनवीर की तरह जानते थे कि रंगमंच सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बंगला में नाटक लिखे और बंगला के अनुवाद स्वरूप पगला घोड़ा का अनुवाद हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए, अनुवाद
कि प्रतीति की दृष्टि से भी इस नाटक को समझना जरूरी है कि अनुवाद की भाषा क्या हमें ऐसे लगती है कि ये हिंदी का नाटक नहीं है? बिल्कुल नहीं लगती। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बंगाल हो या महाराष्ट्र, कर्नाटक हो या उत्तर प्रदेश, हरियाणा हो या राजस्थान, बिहार हो या हिमाचल प्रदेश, हमारा सांस्कृतिक बोध एक जैसा है। हमारे परिवेश में जो एकता को बनाने वाला है वो हमारा सांस्कृतिक सूत्र है, और सांस्कृतिक सूत्र जब एक जैसा है तो बोली और भाषा में कोई अंतर पड़ता नहीं है। बोली आप कुछ भी बोल लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका सांस्कृतिक बोध, आपके संस्कार, आपका आंतरिक चेतना का निर्माण करने वाला सांस्कृतिक परिवेश एक है। तो ये अखिल भारतीय रंगमंच के अंतर्गत हमने पगला घोड़ा पढ़ा, इसका आखिरी भाग हम फिर अगले भाग में पढ़ेंगे।